हाय एवरीवन, सो आज मुझे एक अपडेट देना था रियलमी एक्स टी से रिलेटेड। मुझे 2 साल हो गए हैं ये फ़ोन यूज़ करते, और मुझे 2 बार ये इशू ऑलरेडी आ चुका है। ये सेकेंड टाइम आया था, आप डेट देख सकते हो, वेंसडे 4th मई। एलियन ऑब्जेक्ट फाउंड, जब भी चार्जर लगाता था मैं तो चार्जर लगाने पे ये एरर पॉप अप हो जाता था, और उसके बाद फिर फ़ोन चार्ज लेना बंद कर देता था। पहली बार जब ये हुआ तो मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी, और कोई अल्कोहल से साफ़ कर रहा था, कोई कुछ सैनिटाइज़र तक से साफ़ कर दिया था किसी ने चार्जिंग पिन को। तो मैंने वो सारी चीज़ें करके देखी, फ़ोन रिसेट करा, सब कुछ करा, लेकिन डेटा लॉस तो हो गया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया मेरे। उसके बाद फिर मैं गया सर्विस सेंटर के पास। पहली बार तो खैर उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। फिर बाद में मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने ये चार्जिंग की एक जो पूरा मॉड्यूल था, उन्होंने ये पूरा का पूरा पत्ता चेंज कर दिया, और उसके बाद फिर मेरा ये इशू ठीक हो गया था। तो पहली बार ये सर्विस सेंटर वालों ने ठीक किया था 1 साल पहले, और दोबारा मुझे फिर साल भर के बाद 9-10 महीने के बाद फिर से मुझे ये इशू आने लगा था। तो मैं इस बार लोकल शॉप पे गया, और वहाँ पे वो लोग तो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने डायरेक्टली उन्हें बोला कि आप ये वाला पत्ता बदल दो। उन्होंने बोला कि हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, ठीक नहीं हुआ तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, हम लोग उसमें मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि वो ठीक ही हो जाएगा। बट सेकेंड टाइम भी यार वो ठीक हो गया, और वो चार्जिंग की प्रॉब्लम अब नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी सैनिटाइज़र और पेट्रोल अपने फ़ोन में डालना बंद कर दो। 1 साल पहले मुझे इसका प्राइस 750 रुपीज़ पड़ा था, और इस बार जब मैंने चेंज करवाया तो उन्होंने 840-850 रुपीज़ लिए मेरे से। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ोन फॉर्मेट करने से और ब्रश से अपना चार्जिंग पोर्ट साफ़ करने से कुछ नहीं होगा। आप भी उस पत्ते को चेंज करवा दो, आप देख सकते हो चार्जिंग ले रहा है अभी अच्छे से। और मैंने यहाँ फ़ोन चार्ज होते हुए एक फ़ास्ट फॉरवर्ड वीडियो डाल दी है, तो आप देख सकते हो विद टाइम मेरा फ़ोन प्रॉपरली चार्ज हो रहा है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी ऐसे कंटेंट्स देखने के लिए। बाय बाय।